दोस्तों आपका स्वागत है। इस वक्त मैं अपने गांव में हूं और ये मेरे गांव का खेत है, खलियान है और पूरी गांव इस वक्त बरसात का मौसम है, इसलिए स्वाभाविक है पूरा गांव खेती किसानी काम में व्यस्त है और मैं भी व्यस्त हूं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूं डीजल पंप के लिए, मिट्टी तेल पंप के लिए। मेरे जो दोस्त हैं उनके पास वो पंप है, जो मेरे घर के पीछे एक छोटा सा तालाब है उसमें का पानी मुझे निकालना है बाहर, क्योंकि मुझे वहाँ जेसीबी लगाना है। बरसात से पहले वो काम मुझे करा लेना था पर मिस्त्री जो नहीं मिल रहे थे मकान के जोड़ने वाले, इस वजह से वो काम रुक चुका था। अब मिस्त्री मिल गया है तो उसमें मुरूम फिलिंग कराना है, इस वजह से मुझे चाहिए मिट्टी तेल वाला पंप। इसलिए मैं जा रहा हूँ एक विलेज में ही, पास के 5 किलोमीटर है वो विलेज, तो वहाँ से मैं मिट्टी तेल पंप लाऊँगा। और वहाँ जो डैम है, थोड़ा सा तालाब है, उसमें का जो पानी है वो मैं बाहर निकालूंगा ताकि जेसीबी लग सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विलेज में पूरे खेत खलिहान का काम चल रहा है। तो चलते हैं और आपको ले चलता हूँ छत्तीसगढ़ का गांव कैसा रहता है, आप भी देखिए मेरे साथ। तो चलता हूँ, इस वक्त मैं अपने बाइक पर हूँ और बाइक पे ही लाऊंगा वो पंप। दोस्तों यह रोड आप जो देख रहे हैं सीधा आपको बाद नयापारा अभ्यारण्य ले जाएगी, जो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में से एक है। फिलहाल मैं इस रोड से कट जाऊंगा आगे जाके लेफ्ट साइड। गांव के रोड में पहुंच चुके हैं हम। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने दोस्त के यहां और मैं उसको कॉल करता हूं जस्ट। इस रोड की सभी लाइन अभी व्यस्त है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो दोस्तों इस वक्त मैं अपने दोस्त भानु भैया के घर में हूँ और जस्ट ये पहाड़ के करीब में लगा हुआ है। तो मैं पंप के लिए आया था अपने दोस्त के यहाँ, तो पंप ले जा रहा हूँ ये पाइप। और ये इस गांव में हाथी का प्रकोप बहुत ज्यादा ही है। कैसे भानु भैया, हाथी कहाँ तक आ जाती है? यहाँ तक आ जाती है, यहीं तक आ जाता है हाथी, यहीं पर तो हम लोग पूरा देखते हैं। अरे बाप रे, हाथी पूरा यहाँ तक, जंगली हाथी। दो तीन गांव गुजर चुका है, यानी झुंड था। नहीं, एक रंथड़। तो दिन के नहाके? नहीं, रात में। रात में नहाके। तो ये गांव में हाथी का बहुत ज्यादा प्रकोप है और हाथी फिलहाल इस एरिया से भग के राजिम साइड चले गया है। तो मैं फिलहाल ले जा रहा हूँ पंप भानु भैया। तो दोस्तों मैं इस वक्त अपने गांव के सरहद में हूँ, मैं अपना गांव पहुँच चुका हूँ और अपने दोस्त के यहाँ से ये पंप मैं लाने गया था और फिलहाल इसको ले जाकर रिपेयर करने पड़ेंगे। लगभग 3 महीना ये पंप बंद पड़ा था क्योंकि इसका इंजन काम हुआ है लॉकडाउन से पहले, और लॉकडाउन में 3 महीना करीब ये बंद पड़ा था। तो इसको ले जाके इसके आयल पानी सर्विसिंग करने पड़ेंगे, फिर इसको अपने घर के पीछे जो तालाब है वहाँ मैं फिट करूँगा और जो पानी है उस पानी को ख़त्म करेंगे, तब वहाँ पर जैसे भी लग पाएगा। तो दोस्तों आप देखिए छत्तीसगढ़ का गाँव आपको कैसे लगा, छत्तीसगढ़ का गाँव प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें अपनी बातें। और छत्तीसगढ़ उस समय जब अस्तित्व में आया, छत्तीसगढ़ प्रदेश पहले मध्य प्रदेश में, हमारे जो प्रदेश है मध्य प्रदेश कहलाता था, मध्य प्रदेश के लिखते थे पहले। छत्तीसगढ़ उस समय जब अस्तित्व में आया 2002 में, जब अटल बिहारी जी की सरकार थी केंद्र में,
तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक अलग प्रदेश, एक अलग अस्तित्व दिया और छत्तीसगढ़ उस समय अलग हो गया। और छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ, छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में बहुत सारे वन संपदा, खनिज संपदा, कोयला एस्क, हीरा खदान, बिजली का बहुत बड़ा घर यानी बिजली फैक्ट्री छत्तीसगढ़ के हिस्से में आया। और छत्तीसगढ़ एक धनवान प्रदेश है, फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं लेकिन दिल के अमीर हैं छत्तीसगढ़ के लोग। और कई छत्तीसगढ़ में बाहर से आए और छत्तीसगढ़ में बाहर से आके यहाँ करोड़पति हो गए। तो दोस्तों, आप भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का ये गांव आपको, आप छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं, छत्तीसगढ़ के गांव से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी जो बातें हैं कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ, खासतौर पर ट्रैवल वीडियो लाता हूँ। फिलहाल कोविड-19 की वजह से ट्रैवल वीडियो आने बंद हो गए हैं। मैं अगर कोविड-19 जल्द समाप्त होता है, इसकी मेडिसिन मिल जाती है, तो इंशाल्लाह मैं ट्रैवल में ज़रूर निकलूँगा और आपको ट्रैवल वीडियो देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल मैं अभी लोकल विलेज, अपना लोकल गांव जहाँ मैं रहता हूँ उसके वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं चलता हूँ अपना घर, अपना घर, लंच का टाइम हो गया है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, तो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।